तो इस वीडियो में हम जानेंगे जालीनूस के बारे में, उनका तारुफ़, तालीम व तरबियत, जालीनूस बहसियत तबीब, जालीनूस की तशरीही कारनामे, जालीनूस और मुनाफ़िउल आज़ा, जालीनूस बहसियत मुसन्निफ़। तारुफ़। बुकरात के बाद जालीनूस दूसरा अहम तबीब था जिसने बुकरात के ईजाद करदा फ़न तिब के जिसम रूह फूक दी। वो माइनर एशिया की एक जगह पर्गमोन में 129 AD में पैदा हुआ और 200 AD में उसकी वफात हुई। तालीम व तरबियत। जालीनूस ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल करी जो न्यूमरोलॉजी और मैथमेटिक्स में माहिर थे। जालीनूस को ख्वाब में इल्म तिब को हासिल करने की हिदायत मिली और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मौलजात में महारत हासिल कर ली। फिर वो इल्म की तलाश में अक्सर सफ़र में रहा करता था जिसके बिना पर उसने जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा, जैसे हुकना का इल्म उसने परिंदे से सीखा। जालीनूस बहसियत तबीब। जालीनूस एक बहुत अच्छा तबीब था जो ख़तरनाक अमराज का इलाज भी चलते फिरते कर दिया करता था। एक मरतबा जालीनूस सफर पे था कि उसने कुछ लोगों का मजमुआ देखा। पास जाकर पता लगा कि एक से शख्स वहाँ पर बीमार है और मकामी तबीब में इख्तलाफ है। कुछ बोल रहे हैं कि उसकी फसद खोल दी जाए और कुछ मना कर रहे हैं। फिर जालीनूस ने दखल अंदाजी करी और बोला कि फसद खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ देर बाद उसकी एक रग का मुंह अपने आप खुल जाएगा और फासिद खून शिफा का सबब बनेगा। फिर ऐसा ही हुआ, उसके नाक से खून जारी हुआ और देखते ही देखते वो ठीक हो गया। जालीनूस के तशरीही कारनामे। जालीनूस ने इंसानी कैडेवर का डाइसेक्शन किया और उसने जानवरों का भी डाइसेक्शन किया था। उसने अप्लाइड एनाटॉमी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के बारे में बताया और जालीनूस ने जिसमें इंसानी के मुख्तलिफ आज़ा जैसे बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर की तशरीही भी बताई और उसने हड्डियों की लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पे उन्हें तकसीम भी किया था और उसने दिमाग से निकलने वाले नर्व्स के बारे में भी बताया और उसने आर्टरीज और वेंस के बीच में फ़र्क भी बताया था। जालीनूस और मुनाफ़िउल आज़ा। जालीनूस ने मुनाफ़िउल आज़ा मीन फिजियोलॉजी की मालूमात बुकरात और अरिस्तो की किताबों से हासिल करी थी और फिर उसमें गैर मामूली इजाफा भी किया। अरिस्तो ने कहा था कि कुदरत ने कोई भी चीज़ बिना मकसद के पैदा नहीं करी। फिर जालीनूस ने हर आज़ा के फेल को मालूम करने की कोशिश करी। उसने बताया कि मेदे मीन्स स्टोमक और अमा मीन्स इंटेस्टाइन से जो गिज़ा जिगर में जाती है वो खून में तब्दील हो जाती है। फिर ये खून फेफड़ों में जाता है जहाँ ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन मीन्स रूह खून में मिल जाती है। फिर ये खून कल्ब में जाता है, फिर कल्ब इस रूह मीन्स ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुँचा देता है। जालीनूस ने फंक्शन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया और सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ हार्ट के बारे में भी बताया और उसने बताया अगर दिमाग के आसाब मीन्स नर्व में कोई चोट लग जाए तो उसकी हिस्स व हरकत बंद हो जाती है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। उसने मेदे मीन्स स्टोमक के तीन अफाल भी बताए, गिज़ा को कबूल करना, गिज़ा को हज़म करना और छोटी आँत तक पहुँचाना। जालीनूस बहसियत मुसन्निफ़। जालीनूस ने एक अहम काम किया कि उसने जो भी मुशाहदे व तजर्बे मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट किए उनको उसने किताब में लिख लिया। तकरीबन उसने हर मौजूआत तिब पर किताब लिखी, लेकिन उसकी कितनी किताबें लिखी हैं उसने इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन मदरसा सिकंदरिया में उसकी 16 किताबें तालबा को पढ़ाई जाती थी। कुछ किताबें इस तरह हैं, किताबुल फ़रक, किताबुल खलूस, किताबुल मिजाज, किताबुल कुवतुल तबैया। जालीनूस के कुछ गोल्डन वर्ड। वो बीमार जिसको भूख लगती है बेहतर है उस तंदुरुस्त जिसको भूख नहीं लगती। इंसान अपने नफ्स को पहचान कर अपनी इस्लाह कर सकता है। खुद को दूसरों से ज़्यादा अकलमंद समझने वाला इंसान अहमक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।